અમદાવાદ ખાતે બજાજ ઓટોએ ગુજરાતમાં ઇન્ડિયાની પ્રથમ ક્વાડર સાયકલ ક્યુટ લોન્ચ કરવામાં આવી. થ્રી વ્હીલર્સના અગ્રણી ઉત્પાદક બજાજ ઓટોએ ગુજરાત રાજ્યમાં ક્યુટ ફોર વ્હીલર ક્વાઇટર સાયકલના લોન્ચિંગની જાહેરાત કરી. ક્યુટનું લોન્ચિંગ ગુજરાત સરકારની નવી શ્રેણીના રૂપમાં ક્વાડર સાયકલની સ્વીકૃતિ સાથે કરવામાં આવેલ છે. તે રાજ્યમાં પ્રથમ અને છેલ્લા માઇલ ટ્રાન્સપોર્ટ માટે શહેરી ગતિશીલતા અર્બન મોબિલિટી વિકલ્પ પ્રદાન કરશે. આ લોન્ચ પ્રસંગે બજાજ ઓટો લિમિટેડના ઇન્ટ્રાસ્ટ્રીટ બિઝનેસ યુનિટના જનરલ મેનેજર સેલ્સ શ્રી નવનીત સાહની, બજાજ ઓટો લિમિટેડના બિઝનેસ પ્લાનિંગ હેડ શ્રી પ્રશાંત આહિર અને બજાજ ઓટો લિમિટેડના જીએમ સર્વિસ શ્રી અનુપમ શ્રીવાસ્તવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બજાજ ઓટો લિમિટેડના ઇન્ટ્રાસ્ટ્રીટ બિઝનેસ યુનિટના જનરલ મેનેજર સેલ્સ શ્રી નવનીત સાહનીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ક્યુટનું લોન્ચ કરવા અમને ખુશી છે. અસરકારક પ્રથમ અને છેલ્લું માઇલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સોલ્યુશન હોવા ઉપરાંત રાજ્યના ઘણા લોકોને રોજગારી પણ પૂરી પાડશે. ક્વાડર સાયકલ ઇન્ડિયામાં નવી શ્રેણી છે. ક્વાડર સાયકલ એ એક ફોર વ્હીલ મોટર વ્હીકલ છે જે સાઇઝ, વજન અને સ્પીડને ઓપ્ટિમાઇઝ કરીને ઇન્ટ્રાસિટી કોમ્પ્યુટ માટે લો રનિંગ કોસ્ટ, ઇકો ફ્રેન્ડલી અને સેફ અલ્ટરનેટિવ જરૂરિયાતોને વિકસિત કરવાના પ્રતિભાવમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ક્યુટ એક નવી કેટેગરી છે ઓર મેં કહી દઉં કે એ લગભગ મતલબ સ્વતંત્રતા કે બાદ પહેલી બાર એક નવી કેટેગરી હમને ક્રિએટ કરી હૈ ઓર ઇસ કેટેગરી કા इतना मतलब वैशिष्ट यह है कि ये एक हाईली फ्यूल एफिशिएंट कैटेगरी है. उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है. इसमें ये गाड़ी जो है वो शहर के अंदर चलाने के लिए डिजाइन की गई है, ना कि शहर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए. और इसलिए आप देखोगे मार्केट के अंदर शहर के अंदर चलने वाली, शहर के लिए स्पेशली डिजाइन की गई, उस टाइप के ट्रैफिक कंडीशन के लिए डिजाइन की गई एकमात्र चार पहिए वाली गाड़ी है. इसको क्वाड्रीसाइकिल कहा जाता है और इसलिए एक हमारे लिए एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात है. इसकी प्राइस जो है जैसे कि नवनीत ने सर्जक ने कहा कि 2.79 है. ये कमर्शियल व्हीकल है और कमर्शियल स्पेस में आएगी और सीएनजी वर्जन की मैं प्राइस बता रहा हूँ. इसका जो प्राइमरी कस्टमर होगा ये कमर्शियल स्पेस वाला होगा. सेकंड जो रिक्शा से अपग्रेड करना चाहता है, दूसरा है टैक्सी वाले जो है लोग है, वो हमारा प्राइमरी फोकस होगा. हमारा सेकेंडरी फोकस ये पर्सनल स्पेस में है और वो भी मैंने कहा था कि मेरे प्रेजेंटेशन में कि यहाँ ये जो लोग हैं, जो लोग दिन भर शहर के अंदर घूमते हैं टू व्हीलर के ऊपर और कुछ सामान लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो है उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं. और जो कि इसका सेंटर ये है तुम्हारा रनिंग कॉस्ट, ये बहुत बेनिफिशियल होगा शहर के अंदर चलाने वाले लोगों के लिए. गुजरात में आपने कोई लक्ष्य रखा है सेल्स के बारे में? सर ये नई कैटेगरी है और हम सेल्स बढ़ाएंगे. हम पूरा पैन इंडिया का बात कर रहे हैं. अभी पैन इंडिया हम जैसे कहा कि हम एक 60,000 का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. इतनी हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी डाल चुके हैं. सर अब तक का जितना आपने सेल किया या ओपनिंग किया है जहाँ पर, तो कितना कैसा प्रतिशत रहा है? सर हमने अभी केरला में लॉन्च किया है कुछ दिन पहले, तो वहाँ प्रतिशत बहुत अच्छा मिल रहा है. काफ़ी लोग जो ये बिजनेस को बहुत अच्छी तरह भले बात ही जानते हैं उनको इसका बेनिफिट इमीडिएट पता चल जाता है. हमको इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. हमने अब तक केरला में जो बेची हैं गाड़ियाँ वहाँ ना तो एक पैसा खर्चा किया है मार्केटिंग के ऊपर, पर हमने 150 गाड़ी ऐसी बेच दी जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ. फिर गुजरात से हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ये सीएनजी वर्जन हमारा सबसे फ्यूल एफिशिएंट वर्जन है और सीएनजी अगर कोई एक स्टेट में सबसे ज़्यादा है तो है गुजरात. तो हम जानते हैं कि ये बहुत एडवांटेजेस गाड़ी है गुजरात के लिए एंड इट विल कट अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. अहमदाबाद से संजीव कुमार राजपूत नो रिपोर्ट, जीएनए गुजरात.